एक बेयर के चक्कर में पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो गया। जी हाँ, सही सुना आपने, एक शख्स बेयर खरीदने के चक्कर में स्कैम का शिकार हो गया। ये सब हुआ व्हाट्सएप पर। रिपोर्ट्स की माने तो इस शख्स ने व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए 2 बोतल बेयर मंगवाई थी। बेयर तो पहुंची नहीं, उल्टा बैंक अकाउंट ही साफ हो गया। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये एक तरह का ऑनलाइन स्कैम था। जालसाज लोगों को फंसाने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं से सीख लेना बहुत जरूरी है। और व्हाट्सएप के जरिए ये ठगी कैसे हुई वो भी समझ लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई स्थित एक लॉ फर्म में काम करने वाला 24 वर्षीय वकील इस ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित शख्स ने शराब खरीदने के लिए अपने घर के नजदीक वाइन शॉप के बारे में गूगल पर सर्च किया था। वहां उसे एक नंबर मिला। शख्स ने बियर मंगाने के लिए नंबर मिलाया तो किसी ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे कॉल आया और उसे उसी नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहा गया। शर्त ये थी कि उसे कम से कम 2 बोतल ऑर्डर करनी थी। शख्स इसके लिए तैयार हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित ने बताया कि 360 रुपए के ऑर्डर का भुगतान करने के लिए उसे एक QR कोड भेजा गया, जिसमें 30 रुपए का डिलीवरी चार्ज भी शामिल था। आरोपी ने पीड़ित शख्स को संपर्क किया और पेमेंट ऐप पर बिल क्रिएट करने के लिए 4,999 रुपए देने के लिए कहा और साथ ही इस बात का आश्वासन भी दिया कि पैसा नहीं काटा जाएगा। वकील आरोपी की बातों में आ गया और अकाउंट से पैसे कट गए। रिपोर्ट की माने तो ये सिलसिला चलता रहा और जब उसे स्कैम का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुल 8 ट्रांजैक्शन के बाद पीड़ित शख्स के खाते से लगभग 45,000 रुपए निकल गए। बाद में वकील ने आरोपी के नंबर पर कॉल किया तो संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद उसने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। ये मामला दर्शाता है कि ऑनलाइन किसी भी तरह का ऑर्डर करते वक्त सतर्क रहना कितना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।